केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड की घोषणा की गई है। रांची जिले के सिल्ली डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और ओरमांझी के तत्कालीन थानेदार सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड की घोषणा की है। देश भर से कुल 152 पुलिस पदाधिकारियों को यह अवार्ड दिया जाएगा। सीबीआई से सर्वाधिक 15 जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 11 अफसरों को एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड मिला है। झारखंड में टेरर फंडिंग केस की जांच से जुड़े रहे एनआईए के एसपी अमित सिंह और वर्तमान में धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या की जांच कर रहे सीबीआई के एएसपी विजय कुमार शुक्ला को भी यूपी के एक दोहरे हत्याकांड की जाँच में लेकर यह अवार्ड दिया गया है। और मांझी के साईनाथ यूनिवर्सिटी के पीछे एक युवती की सिरकटी लाश मिली थी। युवती का सिर गायब था, ऐसे में उसकी पहचान और कातिल तक पहुंच पाना पुलिस के लिए चुनौती भरा था। लाश बरामदगी के बाद डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम ने काफी मेहनत की और बाद में युवती की पहचान सोफिया के तौर पर हुई थी। शव बरामदगी के बाद सोफिया के माता पिता से डीएनए का मिलान कराया गया था। इसके बाद पुलिस कांके के बेलाल खान तक पहुंच गई थी। पुलिस ने काफी तकनीकी जांच के बाद बेलाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर सोफिया के सर को भी एक खेत से बरामद किया गया था। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को अब पुलिस मुख्यालय में भी सम्मानित किया गया था।